मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। दोस्तों आज हम बात करेंगे बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और ये टॉपिक खासकर उन बच्चों के लिए काफ़ी जरूरी है जो आईटीआई करने के बाद ट्वेल्थ करना चाहते थे और उनकी एडमिशन कहीं नहीं हो रहा था। बहुत ज़्यादा कंप्लेन था आप लोगों का कि सर आईटीआई के बेस पे मैंने ट्वेल्थ किया है और मेरा एडमिशन यूनिवर्सिटी वाले नहीं ले रहे हैं, ये समस्या था। दूसरा एक डाउट रहता आप लोगों का कि आईटीआई के बेस पे अगर ट्वेल्थ करेंगे तो क्या हमें आगे ट्वेल्थ बेस पे जितनी भी भर्तियां होती है, जितनी भी वैकेंसी आती है, क्या उसमें फॉर्म को हम अप्लाई कर पाएंगे, इस पूरी जानकारी को इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। इससे पहले एक बेहद ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए कि लगातार भर्ती आ रही है, सेल में नोटिफिकेशन आ गया, एनपीसीआईएल गुजरात और एनपीसीएल उत्तर प्रदेश में नोटिफिकेशन आ चुका है, बार्क ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया 1300 पदों के लिए, उसकी भी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाली है, रेलवे सबसे बड़ी भर्ती 2023 में आपको देखने को मिलेगा। इन तमाम भर्तियों का अगर तैयारी आप करना चाहते हैं तो हमारे इजी वे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे ये सभी भर्तियों के लिए कोर्स को लॉन्च कर दिया गया, आप जाकर लेटेस्ट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे रेलवे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों की, अगर रेलवे का कोर्स ज्वाइन करते हैं तो साथ ही साथ बहुत सारे डिपार्टमेंट आपका तैयारी हो जाएगा, तो रेलवे का कोर्स अवश्य ज्वाइन करेंगे क्योंकि भर्ती बहुत जल्द आने वाली है, उस समय आप तैयारी नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट को पढ़ना है। अभी से पढ़ेंगे आपकी तैयारी 100% हो जाएगी। तो चलिए इजी एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया जहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं इस न्यूज पे, इसमें जो बताया गया उसके बारे में आपको हम बता रहे हैं। देखिए बताया गया कि फैसला किया गया 10वीं पास आईटीआई करने वाले को अब स्नातक में सीधा दाखिला मिलेगा। ये न्यूज एक्चुअली बहुत पहले आ गया था, ठीक है, 2020 लास्ट की बात है, लेकिन यूनिवर्सिटी वाले मना कर रहे थे, नहीं एडमिशन ले रहे थे बच्चों को, मना कर देते थे डायरेक्ट, उनके जो फॉर्म थे ना एडमिशन फॉर्म उसमें आईटीआई का कहीं जिक्र ही नहीं था। अब फिर से हमारे राज्यपाल ने, बिहार के जो राज्यपाल, उन्होंने फिर से एक लेटर जारी किया है सारे यूनिवर्सिटी को कि जो भी बच्चे आईटीआई के साथ ट्वेल्थ कर रहे हैं हिंदी और इंग्लिश का पेपर देकर उनका एडमिशन अनिवार्य रूप से लिया जाए, इसके लिए फिर से नोटिस जारी किया गया है, ठीक है ना। राजभवन ने पत्र भेजकर सभी कुलपतियों को दिया निर्देश, ठीक है, हम अभी पत्र भी दिखाएंगे, उसको रख लीजिएगा आप लोग अपने पास। इस निर्णय से बिहार के हजारों छात्र छात्राओं को होगा लाभ, ठीक है। आईटीआई संचालकों ने 2020 में ही दिया था ज्ञापन, 2020 में ज्ञापन दिया था और अक्टूबर, शायद अक्टूबर के आसपास 2020 में लागू भी हो गया था, लेकिन यूनिवर्सिटी वाले जो थे वो नहीं एडमिशन ले रहे थे, ठीक है ना। ये यही सारा चीज इसमें लिखा हुआ है, आगे हम आपको दिखाते हैं वो लेटर जिस पे राज्यपाल ने फिर से जारी किया, ये रहा लेटर, ठीक है। इस लेटर को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डालेंगे या टेलीग्राम ग्रुप में मेरा जुड़ जाइए, वहां पर हम इसको पोस्ट कर देंगे। टेलीग्राम ग्रुप से आप इसे डाउनलोड करके रख रहिएगा, जो भी यूनिवर्सिटी वाले मना करेंगे ये लेटर को जरूर दिखाइएगा, ठीक है। आइए इसको देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो लेटर है, सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि यहाँ पे प्रेषक, ठीक है ना, राज्यपाल के प्रधान सचिव, सेवा में कुलपति, बिहार राज्य के सभी विश्वविद्यालय, ठीक है, लिखा है विषय में आईटीआई परीक्षा उत्तीर्ण एवं उच्च माध्यमिक स्तरीय भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बारहवीं उत्तीर्ण के समकक्ष के अनुरूप स्नातक कक्षा में नामांकन के संबंध में, ठीक है ना। अब इसमें डिटेल्स में दिया गया है कि सबसे पहले ये लेटर 26/11/2021 को जारी किया गया था कि आप लोग एडमिशन में किसी तरह का कोई कोताही न करें, लेकिन ये लोग नहीं माने तो फिर से दोबारा इसे 12/10/2022 को भी जारी किया गया था, और इसके बाद अब दोबारा से इसको जारी करके बताया गया है कि आप लोग बच्चों के साथ ऐसा ना करें, उनका एडमिशन लें, ठीक है। तो इस लेटर को आप लोग रख लेंगे और इस पे ध्यान रखेंगे कि अब अगर कोई आपसे परेशान करता है कि एडमिशन नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो आप इसे जरूर दिखाएंगे और उनसे लिखित में लेंगे कि हमें लिख कर दीजिए कि हम आप एडमिशन आपका नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं मुंह से बोलेगा कोई आपको नहीं मानना है, आप कुलपति के पास जाइएगा, उनसे बोलिएगा कि मुझे लिखित में चाहिए कि आप मेरा एडमिशन नहीं लेंगे, लिख कर दीजिए, नहीं तो मेरा एडमिशन लीजिए। इस बात को लेकर आपको ऑफिस तक पहुंचना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि सारे जो कुलपति हैं, जितने भी विश्वविद्यालय हैं बिहार में, सबके कुलपति इसे एक्सेप्ट करेंगे और एडमिशन प्रक्रिया में बच्चों का सहयोग करेंगे और आने वाले दिनों में हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एक सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या आईटीआई के बाद जो हम ट्वेल्थ करते हैं, ट्वेल्थ कर लेते हैं आईटीआई के बाद हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम देकर ट्वेल्थ के सर्टिफिकेट आपको मिल जाती है, तो क्या ये सर्टिफिकेट जो ट्वेल्थ लेवल की भर्तियाँ आती हैं उसके लिए सही है, क्या उससे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं? तो आप उससे अप्लाई नहीं कर सकते, एक केवल और केवल एडमिशन लेने के लिए, ग्रेजुएशन में, स्नातक में, ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए ही केवल इसे बनाया गया स्पेशल। इस सर्टिफिकेट से आप किसी भी तरह के सरकारी नौकरी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं ट्वेल्थ वाले में। लेकिन एक बात और स्पष्ट कर देता हूं कि अब जो भर्ती आ रही है
या तो 10वीं पा रही है, नहीं तो ग्रेजुएशन पा रही है, आईटीआई डिप्लोमा पा रही है। 12th में भर्तियों की संख्या बेहद ही कम है, एक्का दुक्का कभी कभी आ जाता है, ऐसे बिल्कुल पूरी तरह से शटडाउन हो चुका है। ठीक है, तो या तो 10वीं नहीं तो ग्रेजुएशन, 10वीं नहीं तो ग्रेजुएशन, या टेक्निकल में आईटीआई डिप्लोमा वाले अप्लाई करें। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आप फ्री माइंड होकर आईटीआई 10वीं के बाद कर लीजिए, 12th का सर्टिफिकेट लेकर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। एक बहुत बड़ा टेंशन आपका दूर हो जाएगा, ठीक है ना। 12th के भर्ती के चक्कर में आप लोग न रहे, उससे बढ़िया बढ़िया भर्ती आईटीआई के बेस पर आता है। ठीक है, तो ये रहा आपका न्यूज था जो आपको बताना था। न्यूज कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, और भी बच्चों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है कि सब तक ये न्यूज पहुंचे, सब लोग जागरूक हो, सबको पता चले, किसी भी तरह के किसी को परेशानी ना हो। और ये आप पे हम जिम्मेदारी छोड़कर जा रहे हैं कि आप इस न्यूज को घर घर तक पहुंचा देंगे, जितने भी आईटीआई के छात्र हैं। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।